भाई मैं सच में दिल से बता रहा आपको, आज अगर मेरी टेक्निक जो कि पसंद आई होगी, यूट्यूब में कहीं भी आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ और आपको मिले और आप भी ये चीज़ कर सकें और नए नए आइडिया को देख सकें। मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे कॉटन कैंडी बनाने वाली, जो कि एक टिन कनस्तर के डब्बे की ज़रूरत पड़ती है उन्हें, बट हम बिना टिन कनस्तर के डब्बे के एक ऐसे जुगाड़ में बनाएंगे जो कि एक छोटे से पीस रहेगा, समझ लीजिए यही अपना कॉटन कैंडी बनाने का है। इसको आप किसी भी बर्तन में कॉटन कैंडी के लिए निकाल सकते हैं। प्रोसेस कैसे है मैं आपको अभी बताऊँगा। जैसे कि अपना छोटा सा मशीन है, अब मैंने वो नीचे से बनाते हैं, मैं ऊपर से डायरेक्ट बना दिया हूँ। इसमें छेदा वगैरह जो जो रहता है सेम वैसे ही है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, तो वीडियो को बिना स्किप के थोड़ा सा बस देख लेना, आप पूरी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ड्रिल मशीन की मदद से मैंने छोटे बीट से ये ऊपर का जो सिरा देख रहे हैं, इसकी मदद से हल्का हल्का होल कर दिया है। और यहाँ पे एक मोटर लगाया हूँ, जो कि मेरे को मार्केट से 45 रुपये की मोटर मिली है, जो कि टॉप हाई है इसकी, जो कि इसके लिए बेटर है, ठीक है, इसमें कोई भी नहीं। और एक की ये लैपटॉप की एक बैटरी है, ये बैटरी से ये ऑपरेट होगा। बस इतना ही आपके पास है। एक लिखो फेको पेन अटैच है और एक नीचे की तरह एक स्क्रू सेट है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसमें हम चीनी का घोल डालेंगे और ये किसी भी एक बर्तन पे आप समझ लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए या फिर कोई सी भी एक बर्तन ले लीजिए, बर्तन पे आपको इसको नीचे रखना है, इसको बैटरी के थ्रू चालू करना है और इसको रन करना है। रन करते ही आपकी कॉटन कैंडी स्टार्ट हो जाती है। मैं चलिए अभी इसको ट्राई करने जा रहा हूँ। मैंने बनाते हुए वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास क्या है, कोई हैंड मतलब पकड़ने वाला नहीं है, इसलिए मैंने इसको बना ली, इसके बाद वीडियो बना रहा। आपको अगर इसके बनाने की वीडियो चाहिए तो बताइए, मैं आपको इसको वीडियो में दे दूँगा। बाकी चलिए इसको ट्राई करके चलते हैं।